ब्रेक के बाद स्वागत है। पंजाब में जगह जगह शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा जलाए जा रहे खालिस्तान के पुतले को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, खालिस्तान के विरोध में जमकर नारेबाजी की। यमुनानगर के शिवसेना हिंद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज खालिस्तान बनाए जाने के विरोध में खालिस्तान का पुतला जलाकर अपना रोष प्रकट किया। यमुनानगर से बिलासपुर जा रहे रोड पर खालिस्तान का पुतला जलाकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने अपना रोष प्रदर्शन किया। शिवसेना हिंद के चेयरमैन व प्रदेश महामंत्री ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए कहा कि बेहद शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान की तरह अब विदेशी ताकतें भारत देश के टुकड़े करने की कोशिश में लगी हुई है। हम इन विदेशी ताकतों और विदेशी शक्तियों को हर संभव मोह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। किस पोस्ट पे हो? मैं हरियाणा चेयरमैन। आज ये जो शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया सर, क्यों जलाया? ये 2020 का है जी, अपना जो खालिस्तान बनाने की तैयारी है जी, उसके लिए है, उसका विरोध कर रहे हैं हम। ये खालिस्तान मतलब क्या हुआ सर, कि कौन सा खालिस्तान है ये? ऐसा जैसे पाकिस्तान बनाया, ठीक है, वो हमारे यहाँ खालिस्तान की तैयारी कर रहे हैं बनाने के लिए, उसके लिए हमने मतलब ये मुद्दा जो पुतला जगाया है ये खालिस्तान के लिए जगाया 2020 रिफंड के लिए। तो सर ये कहीं और भी जला रहे हैं पुतला? ये पंजाब में है जी, अपना जलंधर में भी है, इधर मोहाली में है, डेरावसी में है, हरियाणा में है, अपने 64 जिलों में है जी। ठीक है सर, जैसा जलंधर में 2020 खालिस्तान में विरोध में एक जन समूह इकट्ठा हो रहा है, जो आज हमारे देश के विदेशी ताकतों को लड़ने की साजिश रच रहे हैं, इसके विरोध में आज शिवसेना हिंद ने विरोध में आज प्रदेश चेयरमैन करण सिंह व कमल सिंह प्रदेश महामंत्री की अध्यक्षता में जिला यमुनानगर हरियाणा में 2020 रिफंडर का पुतला फूंका गया व इसके खिलाफ मैं विरोध प्रदर्शन करता हूं, और जैसी विदेशी ताकतें हैं जो हमारे देश को खोखला कर रही हैं, हम इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, और शिवसेना इसके विरोध में किसी भी हद तक जाने को तैयार है।